सुभाषपा जो है ओम प्रकाश की नौटंकी से जो है वो अपने पद को भी खोने वाले हैं और उनके कार्य नौटंकी से नौटंकी करते हैं वो नौटंकी है और उनसे बढ़िया जो है तरह की नौटंकी नौटंकी इस प्रकार का है कि उनकी भाषा में कोई सभ्य भाषा का उपयोग नहीं है। वो कब किसको गाली देंगे, कभी भाजपा को गाली दिए, कभी सपा को गाली दिए, अब अपने दल वालों को गाली दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला किस्सा रह गया उनका। अखिलेश यादव को आज एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है समाजवादी पार्टी का, और हमारे साथ जो मौजूद है वो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं। हम उनसे समझेंगे, जानेंगे कि आखिर अखिलेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का क्या मतलब है। मैम, अखिलेश यादव को आज फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कामों के देखते हुए उनके ऊपर फिर से भरोसा और विश्वास करके फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव को फिर से राष्ट्रीय? देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रही है। इस बार 2022 के चुनाव में हमारी सीटें और ताकत 2.5 गुना बढ़ी है। निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कल बने हैं नरेश उत्तम पटेल जी, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है कि पार्टी समाप्ति की ओर है, इस पर क्या कहेंगे? उनका भी एक दल है और उनकी पार्टी जब अलग है तो उनका अपना विचार हमारे विरुद्ध ही आएगा। हमारा अपना दल है, उनका अपना दल है, वो अपना दल देखें। हमारे नेता, हमारा दल, हमारे कार्यकर्ता हमारा दल देख रहे हैं। चेहरे पे एक मन मन मुस्कान भी मैं देख रहा हूँ। मुस्कुराहट इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे नेता के साथ काम करने का अवसर मिला है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास करने वाले चीफ मिनिस्टर रहे। मैडम बताइए जरा, शिवपाल सिंह यादव ट्वीट कर रहे हैं कि पार्टी समाप्ति की ओर, इस पर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारा नेतृत्व है वो दूसरी पार्टी के नेता है। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और जितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी इस समय काम कर रही है, अगर विपक्ष में कोई पूरी मजबूती से जनता की आवाज उठा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, अगर आज सड़कों पर है, महिलाओं के मुद्दे हैं या फिर जनता की आवाज को उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और समाजवादी कार्यकर्ता। मुलायम सिंह यादव जी की बड़ी चर्चा हो रही थी कि मुलायम सिंह यादव जी आज आएंगे क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन है, आज वो नहीं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं आए। हम लोगों को खुशी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, ये जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बन के विधानसभा में गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, मजदूरों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से इस बार फिर पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसलिए हम लोग उनको बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से गरीबों को, दलितों की लड़ाई को लड़ रहे हैं विधानसभा में, उसी तरह से जमीन पर लड़ने का काम करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों की सरकार। मैम से सवाल लूंगा, ये बताइए, बड़ी चर्चा लोकसभा चुनाव की आजकल हो रही है कि क्या नीतीश प्लस अखिलेश फैक्टर बनेगा? आपको लगता है नीतीश कुमार प्लस अखिलेश फैक्टर बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। जब हम लोग इतने तेज तराग आज का कितने साल से महिलाएं जुटी हैं हमारे यहाँ, देखिए समाजवादी में इतना सिस्टम से काम होता है और वो सिस्टम हमारे लोग का बराबर बेकरार बना रहेगा। और हम लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो कि हमारी जनता को समझ सके, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो कि जनता का हर टाइम धोखा देने वाला नेता हो, उसे मुझे नहीं चाहिए जितने हमारे हैं। अंबेडकर प्लस लोहिया फॉर्मूला बन रहा है कल, अखिलेश मैं आता हूँ आपके पास, अंबेडकर प्लस लोहिया फॉर्मूला बन रहा है, अखिलेश यादव ने कल बहुजन समाज की बात करी है, क्या फॉर्मूले से सेटिस्फाइड है? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे समाज को साथ लेके चलते हैं, हमारे समाजवादी पार्टी में कोई तास्तु वाली बात नहीं, कोई धर्म वाली राजनीति नहीं करते हैं, हम थोड़े दल को भी साथ लेके चलते हैं, हर धर्म को साथ लेके चलते हैं, बाबा अंबेडकर जी जो है उनके विचारों को लेके चलते हैं। क्या कहेंगे बहुजन समाज को साथ? बहुजन समाज आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था रखे हुए है, ऐसी समाज की सबसे ऊपर क्या मायावती के बिना क्या लड़ाई अधूरी, ऐसा है? अधूरी नहीं है, आदरणीय बहन जी अपने खोल में बंद हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुजन समाज, बीसी समाज, सामान्य समाज, सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की और इस प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश में है। और ऐसी समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व अगर कोई करना करेगा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब समाज को इज्जत दिलाने का काम करेंगे और संविधान को रक्षा की
अगर कोई कोशिश कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 24 में। बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, आपके तो 24 में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और जैसे उन्होंने नौकरियों को लेकर फार्म को लेकर जनता को गुमराह करा गया है, जैसे उन्होंने आज दूध पे डीएसटी लगा दी, हर चीज पे पढ़ाई पे डीएसटी लगा दी, बच्चों की किताबों पे डीएसटी लगा दी। अच्छा, आजकल पीएफआई का बड़ा जिक्र हो रहा है, पीएफआई को बैन कर दिया है, कैसे इस चीज का तो आप जनता बताने वाली इनको 24 में, इनको 24 में पता चल जाएगा किस चीज पे बैन क्या लगा है, उन्होंने कांगा पे बैन लगाया है। जो पीएफआई वाला प्रोपगंडा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे प्रोपगंडे लेके आती है जिससे विभाजन हो, ये विभाजनकारी बातें हैं, इसमें कोई बैन नहीं है। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लेते हैं, और जब वहां से गठबंधन तोड़ देते हैं तो उनको देशद्रोही की संज्ञा दे देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, पीएफआई वाले हीरो हैं। पीएफआई से आज ही जिंदा थी, पीएफआई तो पहले से थी, आपने क्यों नहीं उन पे बैन किया? आपकी 7 साल से केंद्र में, 7 या 8 साल से केंद्र में गवर्नमेंट है, आपने क्यों बैन नहीं लगाया? पर एजेंसी कह रही है कि हमको साक्ष्य आप मिले कि आतंकी संगठन है वो। आतंकी संगठन है तो बिल्कुल बैन कर दीजिए, अगर पीएफआई, अगर पीएफआई को बैन करिए, अगर राष्ट्र के राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पीएफआई को बैन कर दीजिए। लेकिन जो युवा बेरोजगार घूम रहा, जो आज पूरे प्रदेश पूरे देश में त्राही माम मचा हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी सरकार को। नरेश उत्तम पटेल फिर से राष्ट्रीय वो राज्य वाले बन गए, स्टेट चीफ बन गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि शायद कोई नया चेहरा ट्राई किया जा सकता था, क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवर्तन की पार्टी है। समाजवादी पार्टी समता समानता समता मूलक सिद्धांत पे काम करती है। हम लोग जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के और पार्टी के नेतृत्व का फैसला करते हैं। माननीय नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष पुनः बनाएगा उनको हम लोग जो है सादर अभिनंदन बंदन साथ जो है उनका जो है स्वागत करते हैं, और उनसे अपेक्षा है कि हमेशा जो है पार्टी को आगे ले जाने में पूरा अपना सहयोग किया है। नरेश उत्तम पटेल जी हम लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो इतने शालीन और शक्तिशाली व्यक्ति हैं कि बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, प्रकाट बुद्धिमान हैं। जरूरी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर देने से ही कि हमारी स्ट्रेटेजी सब कुछ चेंज हो जाएगा। नरेश उत्तम जी के अंदर काबिलियत है और हमेशा पार्टी के लिए काम किया। ओम प्रकाश राजभर चले गए, नुकसान हो रहा है कुछ? नहीं, ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। वो कब कहां चले जाएंगे, किसके दल में चले जाएंगे, वो दल तो समाप्त होने वाली है। सुभाषपा जो है ओम प्रकाश की नौटंकी से जो है वो अपने पद को भी खोने वाले हैं, और उनके नौटंकी से करते हैं वो नौटंकी है, और उनसे बढ़िया जो है तरह की नौटंकी इस प्रकार का है कि उनकी भाषा में कोई सभ्य भाषा का उपयोग नहीं है। वो कब किसको गाली देंगे, कभी भाजपा को गाली दिए, कभी सपा को गाली दिए, अब अपने दल वालों को गाली दे रहे हैं। महेंद्र चौहान जी सावधानी यात्रा निकाल लें, रास्ता कोई नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो काम खत्म है उनका। माननीय राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला किस्सा रह गया उनका, बाकी जमीन पे कुछ नहीं। जनहित के आंदोलन पर ये पार्टी खड़ी की थी उन्होंने, और आज जनहित से उनका कोई सरोकार नहीं है, गिव एंड टेक करके। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबका ये कहना है, समझना है कि अखिलेश यादव आगे पार्टी को ले जाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर को बोला है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला काम कर रहे हैं। तो देखना यह है कि समाज के पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश इस तरह से आगे जाता है या नहीं। कैमरामैन संदीप प्रसाद, समस्त श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।